बजट के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी तरह तरह के 9 सालों में केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे हैं, जिसमें घोषणाओं, वादों, दावों और उम्मीदों की बरसात की जाती रही है, किंतु ये सब बेमानी हो गए हैं। और जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष का बजट भी कोई ज़्यादा अलग नहीं है। पिछले साल की कमियां कोई सरकार नहीं बताती और नए वादों की फिर से झड़ी लगा देती है, जबकि ज़मीनी हकीकत में 100 करोड़ से अधिक जनता का जीवन वैसे ही दांव पर लगा रहता है जैसे पहले था। लोग उम्मीदों के सहारे जीते हैं, लेकिन झूठी उम्मीदें हैं क्यों? इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि केंद्र जब भी योजना लाभार्थियों के आंकड़ों की बात करे तो उसे जरूर याद रखना चाहिए कि भारत लगभग 130 करोड़ गरीबों, मजदूरों, वंचितों, किसानों आदि का विशाल देश है, जो अपने अमृतकाल को तरस रहे हैं। उनके लिए बातें ज़्यादा हैं, बजट पार्टी से ज़्यादा देश के लिए हो तो बेहतर है।